चार्ल्स ओब्राज एक फ्रेंच सीरियल किलर जिनके ऊपर मैं और चार्ल्स एक बॉलीवुड फिल्म और द सर्पेंट एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी बनाई गई है, उन्हें नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करने का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर नेपाल के रूल के तहत दिया गया है कि जिस भी कैदी ने 75% से ज्यादा जेल टर्म पूरी कर ली हो उन्हें अच्छे बिहेवियर के टर्म्स पर रिलीज किया जाता है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो सर्पेंट ने 20 साल की जेल सेंटेंस के 17 साल पूरे कर दिए और सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत में भी चार्ल्स ओब्राज ने 21 साल जेल में बिताए हैं। एज अ सीरियल किलर चार्ल्स ओब्राज ने 20 मर्डर किए जिसमें उन्हें ज्यादातर शिकार फॉरेन बैकपैकर्स होते थे जिनका मर्डर उन्हें इंटॉक्सिकेट करके किया जाता था। और कई न्यूज एजेंसीज का मानना है कि सोब्राज की एक चार्मिंग पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से जुर्म करने में आसानी होती थी और टीनेज से ही वो छोटे मोटे क्राइम्स करते पाए जाने लगे थे। 2014 में चार्ल्स ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने तालिबान के लिए आर्म्स का काम किया है और CIA के साथ भी उनके लिंक्स हैं।